Hi you guys, welcome back to my channel Style with Sneha and this is Sneha. So today's video is all about budget friendly, summer friendly, pocket friendly, प्योर कॉटन कुर्ताज हॉल. तो ये सारे कुर्ताज मैंने ऑर्डर किए थे मिंत्रा से. एक्चुअली मैंने ऑर्डर नहीं किए थे, ये मुझे गिफ्ट मिले थे एंड गिफ्ट भी मुझे मिले थे मेरे हस्बैंड से. सो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए एंड हियर आर ऑल द कुर्ताज. सो ये फोर कुर्ताज मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किए थे जब मैं अपने मम्मी के घर गई थी. सो इनका मैं आपके साथ हॉल शेयर करने वाली हूँ. बहुत दिनों से मैं उनसे कह रही थी कि मुझे कुछ कुर्ताज खरीदने हैं समर्स के लिए जो कि प्योर कॉटन हो ऐसे करके. तो उन्होंने अपनी मर्जी से ये खुद चूज करके मुझे भेजे थे. सो या गाइज, हियर आई एम टू शेयर विथ यू दीज कुर्ताज. सो इनका प्राइस, क्वालिटी, कैसे आप इनको बाय कर सकते हो, कैसे है, सारा कुछ इनका मैं आपको शेयर करने वाली हूँ आपके साथ. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन, यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है. एंड या गाइज, दिस इज द फर्स्ट वीडियो आई एम शूटिंग विद माई कैमरा, सो आई एम वेरी एक्साइटेड. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन. ओके, सो ऑलरेडी मैंने आपको कुर्ताज मेरे शो कर दिए कि यहाँ पे ये फोर कुर्ताज है, अच्छे से पैक होके आए थे, अच्छे से डिलीवर हुए थे और जो कि मैंने फेंक दिए क्योंकि इनको डिलीवर हुए काफी टाइम हो गया है एंड आज मुहूर्त लगा ये वीडियो शूट करने का, बट फाइनली आई एम डूइंग इट. सो या वन बाय वन मैं आपके साथ शेयर करूंगी. इनका मैं आपको ट्राई ऑन भी दिखाऊंगी क्योंकि बस इमेज में देखने में या ऐसे देखने में बहुत अंतर होता है एंड आप एक्चुअल में जब इसको पहनते हो आप पे कैसे ये सूट करते हैं वो बहुत ही डिफरेंट होता है. सो इसलिए मैं इनका आपको ट्राई ऑन भी दिखाऊंगी सो दैट आपको अच्छे से आइडिया आ जाए कि ये पहनने के बाद कैसे लगेंगे. सो स्टार्ट कर. वेरी फर्स्ट कुर्ता इज दिस बांधनी कुर्ता एंड यू कैन सी द कलर, इतना ज्यादा वाइब्रेंट पिंक समर अप्रोप्रिएट कलर है एंड ऑफकोर्स प्योर कॉटन है जैसे कि मैंने आपको बताया. एंड दिस इज बाय द ब्रांड अनुओक एंड अनुओक आपको पता होगा या शायद नहीं पता होगा, इट्स अ वेरी नाइस ब्रांड. मेरी शादी पे मेरी जो चप्पलें पहनी थी वो इसी ब्रांड से थी एंड ये ब्रांड आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है. सो उसी ब्रांड से ये कुर्ता है एंड आप देख ही सकते हो कितना सुंदर है ये कुर्ता. तो इस तरह से आपको नेक पे इसका डिटेलिंग मिल जाएगा, इस तरह से सिंपल सा नेक है, बहुत ज़्यादा फैंसी कुछ नेक नहीं है, इस तरह से है. एंड कलर मुझे इसका बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है क्योंकि एक ट्रेडिशनल वाइब भी देता है आपको. सो अगर आप किसी यू नो ट्रेडिशनल फंक्शन में जाते हो तो भी आप इसको वेयर कर सकते हो, या फिर आपके ऑफिस में या कॉलेज में हो तो आप इसको वेयर कर सकते हो एंड एज ए इसको वन पीस भी आप वेयर कर सकते हो एंड नहीं तो आप इसको स्ट्रेट पैंट या लेगिंग्स ऐसे तो पेयर कर ही कर सकते हो. ये कुर्ती मैंने ऑर्डर की थी एम साइज में एंड इसका प्राइस था 525 रुपीज. यस, सो ये काफी बजट फ्रेंडली कुर्ताज है सारे के सारे. इसके टैग पे आपको सारा इसका डिटेल मिल जाएगा. एक्चुअली इसका प्राइस है 1299 रुपीज बट आपको ये डिस्काउंट वगैरह पे मिलके ये 500 या 550 तक आपको मिल जाता है एंड इस तरह से है. मैंने एक्चुअली इसको अब तक यूज नहीं किया है. इसमें से जो दो कुर्ताज है वो मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुकी, दो नहीं एक्चुअली तीन जो कुर्ताज है वो मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हूँ तो मुझे पता है ये कितने ज्यादा कंफर्टेबल है. एंड समर्स के लिए कॉटन के ड्रेस बहुत ज़्यादा सही होते हैं क्योंकि पॉलिस्टर, नाइलॉन ये सब ना हमारी स्किन के लिए अच्छे नहीं होते गर्मी में जो कि हमें बहुत इरिटेशन देते हैं. सो मैं सजेस्ट करूँगी आप ऐसे कॉटन के कुर्ताज कुछ ट्राई कर सकते हैं. बाय द वे दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, स्टिल ये बस मुझे अच्छे लगे तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. सेकेंड कुर्ता इज अगेन फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड अनुओक. सो ये भी काफी सिमिलर है जो बांधनी वाला कुर्ता है उससे क्योंकि इसका नेक भी कुछ वैसा ही है, बहुत ही सिंपल सा है एंड ये डेली वेयर के लिए मुझे ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि फंक्शन के लिए मुझे ये लगा नहीं क्योंकि बहुत ही ज्यादा सिंपल कुर्ता है ये. आप इसको भी एज अ वन पीस पहन सकते हो. काफी सुंदर सा एक बेबी पिंक कलर का है. सो सारे इंडियन स्किन टोन्स पे ये सूट करेगा तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है. आपको इसमें स्लीव्स में मिल जाती है हाफ या बोल सकते हैं 3/4 स्लीव्स इसमें आपको मिल जाती है तो वो भी एक काफी अच्छा है धूप से प्रोटेक्शन के लिए क्योंकि गर्मी में तो भाई साहब क्या गर्मी है. सो उसके बारे में तो बोल ही नहीं सकते. तो ये है, ये भी मैंने ऑर्डर किया था एम साइज में
तो इस तरह से ये है, इसका भी आप ट्राई ऑन देख सकते हो कि ये पहनने के बाद कैसे लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना हमें ऑनलाइन बहुत अच्छी लगती है कि ये कितना सुंदर है, बट एक्चुअल वो जो डिलीवर होती है तो उनकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा घटिया होती है या फिर वो पहनने के बाद इतने ज़्यादा बेकार लगते हैं ना, तो वो सारा झंझट की रिटर्न कर दो ये वो, तो उन सबसे बचाने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि ये बहुत ही सही कुर्ता है, आप देख सकते हो क्वालिटी भी इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, प्योर कॉटन वाली, तो समर के लिए तो बहुत सही है। और अगर आप इसको लेगिंग के साथ पेयर करना चाहते हो तो वैसे भी पहन सकते हो, पूरा आपका एक कुर्ता सेट बन जाएगा, या फिर आप इसको एज अ वन पीस भी पहन सकते हो, सो ढीला ढाला गर्मी में काफी ज्यादा अच्छा होता है। तो ये है हमारा सेकंड कुर्ता, इसका भी आप ट्राई ऑन देख लेना। कम्स आर थर्ड कुर्ती एंड यू कैन सी इसका कलर इतना ज्यादा सुंदर है, लाइक चॉकलेट ब्राउन कलर होता है ना वैसा, एंड स्पेशली ये कुर्ती एंड नेक्स्ट मैं जो आपके साथ शेयर करूंगी वो कुर्ती ऑफिस के लिए मुझे एकदम ही परफेक्ट लगती है, क्योंकि मतलब इतना ट्रेडिशनल वाइब नहीं देता है ये, थोड़ा सा मतलब ऑफिशियल वैसे भी आप पहन सकते हो या डेली वेयर के लिए भी आप इसको पहन सकते हो। सो इस तरह से इसका नेक डिज़ाइन है, ये पूरी तरह से राउंड है एंड बस इतना इसका डिज़ाइन है, इस पर प्रिंटेड डिज़ाइन है, लाइक थ्रेड वर्क नहीं हो रखा है, बस एक प्रिंट किया हुआ है, सो वो भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। एंड स्पेशली मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा, आपको स्लीव्स पे भी इसका सेम डिज़ाइन मिल जाएगा, एंड ये भी मैंने एम साइज में ऑर्डर किया था, दिस इज़ बाय द ब्रांड विशुद्ध, तो ये एंड नेक्स्ट जो कुर्ता है वो मैंने विशुद्ध ब्रांड से ऑर्डर किया था, मैंने मतलब मेरे हस्बैंड ने, सो इस तरह से ये लगता है, बहुत ही सही इसका जो फैब्रिक है ना वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। यस, इस कुर्ती के साथ आपको ना पॉकेट भी मिलता है, तो कुर्ता पहनने के बाद ना सबसे पहला टेंशन तो यही रहता है कि हम अपना फ़ोन कहाँ पर रखें या हमारा हैंडकरचीफ कहाँ पर रखें, तो ये प्रॉब्लम अगर कुर्ता में पॉकेट्स हो ना तो सॉल्व हो जाती है। तो इसमें आपको एक पॉकेट मिल रहा है जिसमें आप अपना यू नो एसेंशियल्स रख सकते हैं, सो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। तो इसकी क्योंकि जब भी मैं कुर्ता पहनती थी जब मैं कॉलेज में थी या ऑफिस में जाती हूँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन मुझे यही आता कि कुर्ता पहनूंगी तो फ़ोन कहाँ रखना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम इसमें ना सॉल्व हो जाती है। तो अगर आप डेली भी पहनना चाहते हो, अगर आप ऑफिस गोइंग हो, कॉलेज गोइंग हो, या फिर अगर आप हाउस वाइफ भी हो घर पर पहनना चाहते हो, तो भी आप इसको ट्राई कर सकते हो, ये बहुत ही सही कुर्ता है, आप ट्राई ऑन पर देख ही पाओगे कितना ज़्यादा सही है ये। एंड जैसे कि मैंने आपको ब्रांड ऑलरेडी बता दिया है इस विशुद्ध, आप देख भी सकते हो मुझ पे ये कलर बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। सो या गाइस, यहाँ पे आता है हमारा लास्ट कुर्ती। सो ये भी कलर मेरा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फेवरेट कलर है, एंड ये भी थोड़ा सा ऑफिशियल कुर्ती है, तो इसका कलर है डार्क मरून, आप देख सकते हो एकदम डीप रेड होता है ना, तो उस तरह का इसका कलर है, एंड लाइनिंग है, चेक्स में है ये, एंड इसका कॉलर जो है स्टैंड कॉलर है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, एंड एक बंद गला वाला जो होता है ना वैसा वाला ये लुक प्रोवाइड करता है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये भी है बाय द ब्रांड कॉल्ड विशुद्ध, एंड ये भी मैंने एम साइज़ में ऑर्डर किया है, बट ये एम होके भी थोड़ा सा ढीला डाल, मुझे थोड़ा सा ऑल्टर करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। जो अनोक ब्रांड है उनका एम साइज़ मुझे एकदम ही परफेक्ट आता है कि जो मुझे यू नो ऑल्टर कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट ये जो ब्रांड है ये मुझे थोड़ा सा लगता है कि ऑल्टर करवाना पड़ेगा। एंड सारे कुर्ताज मैंने एक ही स्टाइल में लिए थे, लाइक 3/4 स्लीव्स एंड यहाँ से जो मतलब फ्रॉक टाइप के होते हैं वैसे सारे कुर्ताज है। इसके आगे आपको ये बटन्स का डिटेलिंग मिल जाएगा पूरे थ्रू आउट द कुर्ता, तो इस तरह से है, एंड इसमें भी आपको पॉकेट मिल जाता है। कलर तो इसका है ही प्यारा, पूरा मतलब समर एक वाइब होता है ना वैसे वाले कुर्ता से, इसीलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं। एंड इसका भी प्राइस मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो इसका प्राइस जब अभी मैंने चेक किया है तो इसका प्राइस हो गया है 795 रुपीज़, बट जब मैंने इसको परचेज किया था ये मुझे 500 के अराउंड मिल गया था, तो प्राइजेस तो ऊपर नीचे होते ही रहते, तो यू हैव टू कीप चेकिंग कि आपके बजट में ये कब आ रहा है, कब इस पर सेल आ रहा है, कब नहीं आ रहा है, एंड तब आपको झट से इसे ऑर्डर कर लेना होता है, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन अ ऑफर। तो इस तरह से ये कुर्ता है, इसका भी आप ट्राई ऑन देख लेना कि ये किस तरह से पहनने के बाद ये कैसे लगता है।
होता है हमारा ये मिंत्रा कुर्ती हॉल वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा एंड मैंने आपकी किसी ना किसी वे में थोड़ी बहुत हेल्प तो कर ही दी होगी। सो ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन, यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो। एंड अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हो तो मेक श्योर आप मेरी हर वीडियो देखे क्योंकि मैं आपके लिए ही बनाती हूँ वीडियोस। सो प्लीज वॉच माय एवरी वीडियो एंड सपोर्ट मी। हमारे ऑलरेडी 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड इसी तरह से अगर आप मुझे सपोर्ट करते रहोगे तो बहुत जल्दी हम अपने 10,000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट कर लेंगे। सो या गाइस, इसी नोट के साथ एंड करते अपना ये वीडियो एंड मैं आपसे मिलूंगी इसी तरह के एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।